वो कहानी भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। शायद इतना झूठ किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। और महसूस ये हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर खड़े हैं। मुझे तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि आप इस इलाके में इसलिए हार रहे हो क्योंकि आप किसी डॉक्टर के मुकाबले कोई डॉक्टर तैयार नहीं कर पाए हो। मैं पार्टी के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को तैयार किया है जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी का भी इलाज करते हैं। इसलिए डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर। और ये विधानसभा तो वो विधानसभा है जो रिकॉर्ड बना सकती है। ये विधानसभा तो ऐसा रिकॉर्ड बना सकती है कि अगर हम पिछले चुनाव के वोट देखें तो यहां पर जनता ने लगभग 1 लाख वोट दिया था। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे। इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी और सम्मान के साथ इस बार साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने के तो डबल इंजन सरकार है लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहां के लोग तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। ये सरकार बचेगी कैसे, कैसे बचेगी सरकार? इंडिया गठबंधन इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये चाहते थे गठबंधन हो जाए, गठबंधन की इच्छा रखते थे। कुछ लोग बोल नहीं पाते थे, दिल ही दिल में रखते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ समाजवादियों ने आपके दिल की बात की है कि नहीं की है? और गठबंधन में केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं, अब तो आप पार्टी भी आ गई है झाड़ू मारने के लिए। और हमारे किसान नेता मंच पे कह रहे हैं, जो हमारे किसान संगठन के नेता हैं ये जानते होंगे इन्हें कितना सरकार से लड़ना पड़ा है। केवल अभी नहीं, अगर हम पिछला भी संघर्ष याद करें तो हमारे किसान भाई सालों साल संघर्ष किए सरकार के खिलाफ। और एक समय तो ऐसा आ गया जब देश के किसानों ने आह्वान कर दिया काले कानून के खिलाफ, तो इस सरकार ने सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए, आरसीसी की दीवार लगवा दी, कीलें लगवा दी, फोर्स लगा दिया। कोई अगर ट्रैक्टर के लिए डीजल भरवाने जाता था तो डीजल नहीं मिलता था। पाबंदियां लगा दी, पुलिस खड़ी कर दी जगह जगह,
लेकिन हम अपने किसान भाइयों को बधाई देंगे, वो सालों साल रुके रहे, शहीद भी हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अंतर्गतवाद सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून उन्हें वापस लेने पड़े। मैं अपने किसान भाइयों को आज के दिन जब देश का चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो हमारे किसानों के लिए कानूनी एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, जो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि केवल हमारे किसान और किसान परिवारों के लिए फसल की कानूनी अधिकार दे दो, आपको 80 करोड़ लोगों को कभी राशन नहीं देना पड़ेगा। आपको फसल की गारंटी दे दो, एमएसपी की गारंटी दे दो, आपको राशन नहीं देना पड़ेगा। जहां किसान तैयार है वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है सरकार को हटाने के लिए। ये नौजवान वो है जो नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में सरकार में न जाने कितना निराश हुआ, परेशान रहा, परीक्षाएं लिखी, तैयारी की, ट्यूशन पढ़ाई की, जो कुछ कर सकते थे नौजवानों ने अपनी परीक्षा के लिए तैयारी की। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जहां पे कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है, और केवल एक लीक नहीं हुआ पेपर, हमारे नौजवान जानते होंगे जो जो परीक्षा हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए, और अभी तक 9 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। किसी को नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। अभी हमने जब गणित का हिसाब किताब लगाया तो मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं उन नौजवानों की संख्या 60 लाख है, और यही 60 लाख नौजवान अगर उनके मां बाप को जोड़ दें तो 60 लाख परिवारों में 3 सदस्य हो गए जो इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 इस भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है। जिस दल के खिलाफ किसान और नौजवान हो वो सरकार बचेगी कैसे, ये बता दो हमें आप, क्या सरकार बचेगी? और चाहे बड़े बड़े चैनल इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बताएं ना बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्ट्रोल की मांग करते हैं, इलेक्ट्रोल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्ट्रोल पीने का काम कर रहे हैं। बताओ इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? कोई चंदा दे तो कम कम चंदा देता है, कोई 5,000 देता है, 10,000 देता है, 1 लाख देता है, 2 लाख दे देता है, लेकिन कोई 50 करोड़ नहीं देता है, 100 करोड़ नहीं देता है, 1,000 करोड़ नहीं देता है। याद है कि नहीं याद है? बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐसा खा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। बताओ ये डकार भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
इसलिए सावधान हो के नहीं सावधान हो आप लोग। जहां तक विकास की बात हो रही है, ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं, केवल विकास के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, ये चुनाव जहां किसान और नौजवान के भविष्य का है, वहीं ये चुनाव संविधान को बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बना करके इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम किया है, और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, और कई ऐसे समाज के लोग निकल पड़े हैं सरकार को हराने के लिए, हराने के लिए निकल पड़े हैं, और हर तरफ इनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, खुलकर के लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस चुनाव में केवल एक सरकार नहीं जाएगी, एक वोट डालोगे लोकतंत्र संविधान तो बचेगा बचेगा, दो दो सरकारें चली जाएंगी, ये रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो एनडीए वाले, ये जो गठबंधन बना करके घूम रहे बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद परिवारवाद की परिभाषा दे रहे हैं। हमने तो कई मौकों पर कहा, और फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। क्या ये बीजेपी के लोग ये संकल्प ले सकते हैं? इन्हें हमारा आपका परिवार दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें अपना सबसे खतरनाक परिवार नहीं दिखाई दे रहा है, जो नफरत फैला रहा है, समाज में दूरियां पैदा कर रहा है, साजिश भी करता है, षड्यंत्र भी करता है। पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार अगर किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जब कभी हम लोग तानाशाही का नाम लेते हैं, हिटलरशाही का नाम लेते हैं, तो हमें और आपको वो जर्मनी याद आ जाती है। याद रखना, जो जर्मनी का तानाशाह था वो लोकतंत्र के माध्यम से ही, वोट के माध्यम से ही पहुंचा था, और एक बार गद्दी पर बैठ गया था, फिर गद्दी से नहीं हटा। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आज तो वोट डाल ही रहे हैं लोग, लोगों ने ऐतिहासिक वोट डाला, अभी तो शाम तक वोट डालेंगे। जहां पहले चरण में लोग वोट डाल रहे हैं सुबह से, मैं उनसे और अपील करता हूं कि जब तक उनका वोट पड़ जाए तब तक लाइन से ना हटें, और जो साथी अगर वोट के लिए रह भी गए हैं तो उनको बुला करके वोट डालें, क्योंकि यही वोट है जो हमारे लोकतंत्र और इन तानाशाहों से बचाने का काम करेगा। क्योंकि झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, और झूठ के साथ साथ ये लूटने का भी काम करते हैं। हम अपनी उपलब्धियां क्या बताएं, हमारे बुलंदशहर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोग जानते होंगे कि जब जब समाजवादी सरकार आई है काम किया है। आज भी सड़कों पर अगर कोई तकलीफ और बीमारी में है, परेशानी में है, अगर कोई फोन मिलाता है, एम्बुलेंस मांगता है, तो फोन करने पर अगर एम्बुलेंस पहुंचती है तो वही एम्बुलेंस है जो कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, वही हमारे गरीबों की मदद कर रही है। बताओ बीजेपी ने कितनी एम्बुलेंस बढ़ा दी? अगर बढ़ाई हो बीजेपी ने एम्बुलेंस तो बता दो। और इसी तरह पुलिस समय पर पहुंच जाए, लोगों की मदद करे, अगर कहीं झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो फोन मिलाने पर पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती थी, ऐसा 100 नंबर दिया था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने 100 नंबर को 112 कर दिया, और जब से 112 किया पुलिस ने भी अपना रेट
बढ़ा लिया। बताओ बढ़ा लिया रेट के नहीं बढ़ा लिया? ये लोग कभी कभी हम लोगों पर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन हम इन्हें कहना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले याद होगा आपको, कुछ सालों पहले सरकार ने फैसला ले लिया कि जो हमारी फौज की भर्ती है, जो हमारी पक्की वर्दी पहनकर के नौजवान सेवा करने जाते थे देश की रक्षा के लिए, नौजवान महीनों तैयारी करता था और सोचता था कि हमें वर्दी पहनने को मिल जाएगी, हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया और जो हमारी पक्की फौज की नौकरी थी उसको बताओ अग्निवीर में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जो जीवन भर की नौकरी थी, पेंशन मिलती, शहीद होने पर सम्मान मिलता, इस सरकार ने वो सम्मान भी छीन लिया और आधी अधूरी अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा उसी दिन ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की खत्म करने का काम करेंगे, और जैसे पहले फौज की पक्की नौकरी होती थी वैसे ही हम उसी को लागू करने का काम करेंगे। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई, अगर बीजेपी वाले आ गए दोबारा तो आपकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी मदद करिए, नहीं तो अग्निवीर जैसी 3 साल के बाद आपको अपने गांव और घर जाना पड़ जाएगा। इसलिए जहां हम और आप सावधान हैं, इन फोर्स के लोगों को भी हम सावधान कर करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो अग्निवीर की व्यवस्था कर सकते हैं, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो पैसे के लिए और पैसे बचाने के लिए हो सकता है हमारी पुलिस को भी आउटसोर्स की नौकरी कर दें। सोचिए अगर आउटसोर्स की नौकरी हो गई इनकी तो इनका भविष्य क्या है? इसलिए हम समाजवादी लोग इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, जिससे हमारे फौज से लेकर के हमारे जवानों को पक्की नौकरी मिल जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। यहां जहां हमारे किसानों की समस्या है कि जहां उन्हें बाजार की कीमत में मुआवजा नहीं मिलता और सरकारी अधिकारी ऐसा उलझाते दे हैं कि हमारे किसान अपना मुआवजा नहीं उठा पाते हैं, जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए शहरी आवास के लिए या उन्हें प्लॉट को लेकर के जो सुविधा मिलनी चाहिए, जब समाजवादी सरकार थी तो किसान की हर समस्या की सुनवाई होती थी, न केवल उनकी मदद हो रही थी बल्कि हम लोगों ने मुआवजा भी बढ़ा करके उनकी मदद करने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, हम अपने किसानों की जमीनों को सही मुआवजा दे करके और कानूनी जो उनका हक है वो दिलाने का काम करेंगे। ये सरकार कह रही थी हम फ्लैट बनवा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। फ्लैटों की समस्या तो ऐसी है कि लाखों लाख फ्लैट खड़े दिखाई दे रहे हैं, न रजिस्ट्री हो पा रही है, जो हमारा उपभोक्ता है वो भी नहीं पा रहा है, जो बिल्डर है वो भी परेशानी में है, जो किसान हमारा जमीन दे रहा वो भी दुखी है। इस सरकार ने सबको उलझा दिया, सबको परेशानी में डाल दिया, और जो कुछ विकास हो रहा था उस समय पर, चाहे वो मेट्रो जो बनाई गई थी, वो समाजवादियों की देन इनकी देन नहीं है। दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो, नोएडा को और नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाने का काम किया था तो समाजवादी लोगों ने बना करके दिया था। न केवल ये बल्कि बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट को भी लाने का काम समाजवादियों की सरकार में हुआ था। चाहे वो सैमसंग हो, चाहे बड़ी बड़ी जो मोबाइल कंपनियां हैं, उनको जमीन अगर किसी ने आवंटित की थी तो समाजवादी सरकार में आवंटित कर करके उन्हें कारखाना लगाने के लिए जगह देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं कि चाहे हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़े, चाहे विशेष ट्रेनिंग का इंतजाम करना पड़े,
जिससे आसपास के नौजवान भी ट्रेनिंग कर करके ऐसे कारखानों में रोजगार या नौकरी पा सकें, उस दिशा में हम समाजवादी लोग आपके भविष्य की चिंता कर करके आपको ट्रेनिंग दिला करके अच्छी नौकरी और सम्मान का रोजगार दिलाने का काम करेंगे। ये जो दिल्ली वाले हैं कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बन करके रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आपसे इस समय पर निवेदन अपील करने आया हूं